अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त शाहनवाज आप ही के अपने यूट्यूब चैनल यूनानी ज्ञान से। दोस्तों आज बात करेंगे माउल लहम के बारे में, माउल लहम टॉनिक के बारे में आपको बताएंगे, पूरा जानेंगे इसके बारे में सब कुछ। दोस्तों अभी अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल यूनानी ज्ञान को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी जाकर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। माउल लहम जो है इसके फॉर्मूला के बारे में बात करूं दोस्तों, तो सतकुफी, जजबुआ, बिस्बासा, जाफरान, इलायची, सफेद जीरा, संदल सफेद, गांजबा, सुजद हिंदी, गुले शुर्क, किसनीज खुश्क, दाना इलायची खुर्द, बेखशेशन, दारचीनी, शकाकुल मिश्री, बबूल कंद, बबूल और कंद सफेद, तोंद्री शुर्क, बैमन सफेद, बैमन लाल और मिश्री सालब कंद सफेद इसमें इस्तेमाल किया गया है। बहुत ही शानदार फॉर्मूला है अगर आप नजर डालते हैं। वैसे दो तीन चीजें मैंने छोड़ दी है इसमें, वो मुझे कुछ खास नहीं लगी तो मैंने उसमें उनके बारे में नहीं बताया है। तो अब बात करते हैं दोस्तों किन किन बीमारियों में काम मिला जाता है। इतना शानदार फॉर्मूला दोस्तों अगर आप देखते हैं तो बहुत ही शानदार ये फॉर्मूला हो जाता है। तो खून की कमी सबसे पहला जो इसका दोस्तों मैं बताना चाहूंगा, खून की कमी जिन लोगों में रहते हैं, एनीमिया की कमी है, बहुत सारे लोग हमसे पूछते रहते हैं कि कई सारे मैसेज मुझे आए खून की कमी के बारे में, भाई कि खून की कमी हमारे अंदर है, कमजोरी है, तो वो मैं कहना चाहूंगा वो इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत शानदार ये टॉनिक है दोस्तों, खून की कमी जिन लोगों में रहती है, लो इम्यूनिटी यानी इम्यूनिटी जिन लोगों की कमजोर है और इम्यूनिटी सिस्टम कमजोर है, बार बार वो बीमार रहे, इम्यूनिटी कमजोर रहने की वजह से, इम्यूनिटी दोस्तों होता क्या है, मैं देखो पूरा तरीके से समझाना चाहता हूँ ताकि आप लोग समझ सकें। मैं वो नहीं चाहता हूँ और लोग इधर के बस हमने कहीं से पढ़ा या सुना या कह दिया वो बात में उसमें मजा नहीं आता है। तो मैं बताना चाहूंगा इम्यूनिटी जो होता है दोस्तों, इम्यूनिटी पावर जो हमारी होती है वो होती है रोगों से लड़ने की प्रतिरोधक क्षमता, यानी जो रोग हमें जो लगते हैं, कोई भी नजला खांसी जुकाम कोई भी रोग हो सकता है, वो जो लगते हैं अक्सर वो हमारा जो इम्यूनिटी सिस्टम जो होता है वो कमजोर हो जाता है, रोगों से लड़ने की जो क्षमता है, जो हमारे अंदर जो ताकत है वो कमजोर हो जाती है, उसको इम्यूनिटी बोलते हैं। तो लो इम्यूनिटी जिनके अंदर होती है, इम्यूनिटी सिस्टम जिनका कमजोर होता है उसमें बहुत बढ़िया काम करता है। नर्वस डिसऑर्डर यानी दिल दिमाग की घबराहट जिसको बोलते हैं, तो उसमें भी बढ़िया काम करता है। ताकत की कमी जो कमजोर लोग है उसमें अच्छा काम करता है। बढ़ती उम्र के लोगों के लिए तो बेहतरीन आइटम है दोस्तों। और जो लीवर की खराबी जिन लोगों में उसमें भी बढ़िया काम करता है, पेट की खराबी जिन लोगों को रहती है उसमें भी अच्छा काम करता है दोस्तों। ये कुल मिलाकर देखा जाए तो बहुत ही शानदार ये टॉनिक है। बात करता हूँ दोस्तों इसके डोज के बारे में, कितना इसे सेवन करना है। 3 से 4 चम्मच आप इसकी ले सकते हैं खाना खाने से कम 1 घंटा पहले सुबह शाम में इस्तेमाल कर सकते हैं ताजे पानी के साथ में। और अगर आप इसे इस्तेमाल कर रहे हैं कोई अनार वगैरह या फल वगैरह इस तरह के भी इस्तेमाल करेंगे तो ज्यादा अच्छा रिजल्ट इसके साथ में देखने को मिलता है। तो माउल लहम के बारे में हमारे एक दोस्त ने हमें बताया था, पहले काफी पुरानी बात में बता रहा हूँ, तो उन्होंने बताया था कि ये प्रेग्नेंट औरतें जो होती हैं जब डिलीवरी हो जाती है जिन महिलाओं की, तो उनमें कमजोरी जो आती है उसके बाद जब वो कम से कम 2 महीने के बाद में वो इसे इस्तेमाल करे तो बहुत अच्छे रिजल्ट इसके देखने को मिलते हैं। फिर हमने इस चीज पर रिसर्च करा, उसके बारे में एक्सपीरियंस करा, तो हमने पाया वाकई में उसमें बहुत शानदार काम करता है। तो मैं कहना चाहूंगा जो महिलाएं जो मतलब बच्चा पैदा हो गया जिनके यहाँ पे और वो अब वो 2 महीने कम से कम हो गए हैं उन्हें, डेढ़ महीना हो गया उन्हें 1.5 महीने के बाद में, तो कमजोर हो गए बहुत ज्यादा। तो कमजोरी तो बहरहाल आती है, देखो खून की कमी होती है, तो वो इसे इस्तेमाल करेंगी तो बहुत अच्छे रिजल्ट इसके उन्हें देखने को मिलेंगे। और एक चीज और जो मैंने नोटिस की है मैं इसके साथ में बताना चाहूंगा, आप वो महिलाएं जो इस तरह की जिनके बारे में मैंने बताया, तो उनमें अगर वो खजूर का इस्तेमाल करेंगे, दूध और खजूर का इस्तेमाल करें तो उसके उससे भी बहुत अच्छे रिजल्ट देखने को मिलते हैं। जैसा कि हम लोग जो है सजेस्ट करते हैं, जो लोग हमसे पूछते हैं तो हम उनको बताते हैं और उसके बहुत अच्छे रिजल्ट सामने आते हैं। तो जो महिलाएं हैं बच्चे वाली महिलाएं, खासकर दूध पिलाने वाली जो महिलाएं, वो दूध के साथ में कम से कम 5 से 5 खजूर ले सकती हैं सुबह में नाश्ते के साथ में जरूर इस्तेमाल करें, बहुत अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। और माउल लहम को भी इस्तेमाल कर सकते हैं ऐसी महिलाएं, बहुत ही अच्छे इसके रिजल्ट देखने को मिलेंगे। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि छोटा सा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा दोस्तों तो हमारे वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और लोग भी फायदा उठाएं, शेयर भी कीजिएगा और कोई सुझाव हमसे लेना चाहते हैं कमेंट भी कीजिएगा हमें। और नई वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और दोस्तों किसी भी दवाई के बारे में जानना चाहते हैं जो हमारे चैनल पर मौजूद नहीं है, कमेंट कीजिएगा, जल्दी उस पर वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे।